भाद्रपद माह का सबसे पवित्र त्योहार गणेश चतुर्थी, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, भगवान गणेश की आराधना का पर्व गणेश उत्सव हमेशा से ही भक्तों के लिए बड़ी आस्था का विषय रहा है। गणेश उत्सव को कहीं 2 से 3 दिन का तो कहीं 10 दिनों तक मनाया जाता है। इस पर्व की सबसे बड़ी खास बात यह है कि भक्त भगवान गणेश की प्रतिमा को अपने घर में स्थापित कर उनकी पूजा आराधना करते हैं। भाद्रपद की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। कई प्रदेशों में इसे डंडा चौथ या कलंक चौथ भी कहा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के स्वाति नक्षत्र में दोपहर के समय गणेश का जन्म हुआ था, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। हिंदू पंचांग के मतानुसार इस बार गणेश चतुर्थी 21 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी। पूरे भारतवर्ष में गणेश उत्सव पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। विशेषकर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक में इसे मनाया जाता है। वैसे तो ये त्योहार ये उत्सव पूरे 11 दिन का होता है। 10 दिन तक पूरे भक्ति भाव से गणेश जी की पूजा अर्चना और कई तरह के रंगारंग कार्यक्रम आयोजित होते हैं और 11वें दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। लेकिन कुछ लोग अपनी श्रद्धा और मान्यता के अनुसार 1 दिन, 1.5 दिन या 5 दिन के लिए गणपति लाकर विसर्जन करते हैं, तो कुछ गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर में विराज कर 11वें दिन यानी अनंत चतुर्दशी के दिन इनका विसर्जन करते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा विधि और सामग्री: सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुभ मुहूर्त देखकर गणेश प्रतिमा की स्थापना करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्ण प्रतिमा या तांबे की प्रतिमा रखी जाती है। सबसे अच्छा तो ये होगा कि आप स्वयं अपने हाथों से मिट्टी के गणेश बनाएं और स्थापना करें, जो पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा। वैसे बाजारों में बप्पा की प्रतिमाओं का आना इस उत्सव के 1-2 हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाता है। कुछ लोग तो ऑर्डर पर भी बप्पा की प्रतिमा बनवाते हैं। जब आप अपने घर पर बप्पा लाएं तो कैसे उनके आगमन की तैयारी करें, उन्हें कैसे स्थापित करें, ये जानना भी जरूरी है। तो आइए हम आपको बताते हैं। लकड़ी की चौकी बनाकर उस पर लाल कपड़ा और कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी को विराजमान करें। कुमकुम, अक्षत, रोली, जनेऊ, सिंदूर रखें। गणेश जी को दुर्वा और मोदक यानी लड्डू बहुत पसंद है, इसलिए उनकी पूजा में ये जरूर चढ़ाएं और 21 लड्डुओं का भोग लगाएं। इनमें से 5 लड्डू गणेश को चढ़ाकर शेष लड्डुओं को प्रसाद रूप में बांट दें। वैसे तो चतुर्थी के चांद के दर्शन करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस गणेश चतुर्थी के चांद दर्शन को वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्रमा दर्शन से कलंक, झूठ या चोरी का दोषारोपण लगता है, लेकिन कुछ लोग अपनी दृष्टि नीचे करके चंद्रमा को अर्घ देते हैं। वैसे भी शास्त्रों में कहा गया कि हर माह पड़ने वाली चौथ के चांद का दर्शन भी छलनी से ही किया जाता है। कभी भी चतुर्थी के चांद को सीधी आंखों से नहीं देखा जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के चंद्रमा को देखने पर ही द्वापर युग में भगवान कृष्ण पर मणि चोरी का झूठा आरोप लगा था। तो ध्यान रहे, चंद्रमा के दर्शन करने से बचें। गणेश पूजा में विशेष रूप से क्या अर्पण करें? तो सबसे पहली है हरी दुर्वा। गंगा जल से धोकर 21 दुर्वा को गणेश मूर्ति को चढ़ाएं। मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाएं। केले का प्रसाद भी जरूर चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को केले बहुत पसंद है। हो सके तो गणेश उत्सव के दौरान किसी हाथी को भी केले जरूर खिलाएं। सिंदूर: पूरे 10 दिनों तक गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं। जहां तक बात है शुभ मुहूर्त की, तो बप्पा के आगमन के इन 11 दिनों में हर घड़ी शुभ है। हाँ, 31 अगस्त से 9 सितंबर के बीच 7 अच्छे योग हैं, जिनमें आप बप्पा की आराधना से अलग अपने किसी नए काम की शुरुआत भी कर सकते हैं। जैसे गणेश चतुर्थी के दिन आप किसी नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही रवि योग भी है, जो सुबह 6:23 से आरंभ हो रहा है। फिर 1 सितंबर को ऋषि पंचमी है, जो जमीन, जेवर या वाहन खरीदने के लिए शुभ दिन है। 2 को कार्तिकेय पूजा है। 5 सितंबर को विष्णु दशावतार पूजा है। 6 को एकादशी और 7 को वामन पूजा है। 8 को प्रदोष व्रत और फिर 9 को बप्पा की विदाई यानी गणेश विसर्जन। वैसे भी चतुर्थी बुधवार के दिन पड़ रही है और भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। बुधवार को उनकी पूजा करने का विशेष महत्व होता है। बुधवार का दिन गणेश जी को प्रिय होता है, इसलिए ये गणेश चतुर्थी और विशेष हो जाती है। तो कीजिए बप्पा की आराधना और लीजिए गौरी नंदन गणेश का संपूर्ण आशीर्वाद। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।